ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरीके से इंडिया में ट्रेड करने आई। उसने जो इंग्लैंड की महारानी है क्वीन एलिजाबेथ वन, उससे राइट्स लिए थे कि इंग्लैंड से कोई और कंपनी यहाँ पे ट्रेड करने ना आ सके। बट जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज थी वहां से काफी सारी कंपनीज यहाँ पे ट्रेड करने आई, और जिस वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ा। अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड स्टार्ट करी। वो यहाँ आ तो गए बट यहाँ पे ट्रेड उन्होंने स्टार्ट कैसे करी। जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री है वो हुगली रिवर के किनारे सेटअप की गई थी 1651 में। ये जो फैक्ट्री है वो एक तरीके से बेस था कंपनी के ट्रेडर्स के लिए, मतलब कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स थे जो कि खरीद बेच करते थे उनके लिए ये फैक्ट्री एक बेस का काम करती थी। और ये जो ट्रेडर्स हैं इनको फैक्टर्स कहा जाता था, ठीक है। और इन ट्रेडर्स के लिए बेस का काम कैसे करती थी, क्योंकि इस फैक्ट्री में वेयर हाउसेस होते थे। मतलब ये ट्रेडर्स क्या करेंगे, इंडिया से जो चीप रेट्स में सामान मिल रहा है उसे खरीदेंगे, बट खरीदते ही ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि उन्हें तुरंत जो है कोई ग्राहक मिल जाएगा और वो उसे बेच देंगे। तो ऐसा नहीं होता कि एक कस्टमर ढूंढने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। तो ये क्या करते थे, जो ट्रेडर्स थे वो अपना सामान जो है वो सस्ते दामों पे खरीद लेते थे, और खरीद के उनको फैक्ट्री के इन वेयर हाउसेस में रख देते थे, और जब उन्हें कोई बायर मिलता था तब उन्हें जो हायर प्राइसेस हैं उन पे बेच देते थे और एक्सपोर्ट करते थे। टाइम टू टाइम जो है उसको डिस्पैच कर देते थे एक्सपोर्ट करने के लिए, शिप से दूसरे देशों में भेज देते थे। तो वेयर हाउसेस यहाँ पे थे फैक्ट्रीज में, ताकि जो सामान है उसको कुछ टाइम के लिए रखा जा सके और बाद में उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाए। इन फैक्ट्रीज में वेयर हाउसेस के साथ साथ ऑफिसेस भी थे जहाँ पे जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो बैठते थे और अपना काम करते थे। अब जैसे जैसे कंपनी की ट्रेड बढ़ी, इनका जो व्यापार है वो और ज्यादा फैलने लगा, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी मतलब कि जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो मर्चेंट्स हैं ट्रेडर्स हैं, मतलब कि कंपनी में एक तरीके से काम करने वाले जो लोग हैं जो सामान खरीद के लाते हैं उन्हें आगे बेचते हैं, तो ऐसे जो मर्चेंट्स हैं ट्रेडर्स हैं उन्हें परसुएड किया, एक तरीके से उन्हें मनाया कि वो फैक्ट्री के आसपास आके सेटल होने लगे, रहने लगे। और 1696 तक ये जो कंपनी है वो अपने फैक्ट्री के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन करना चालू कर चुकी थी और फोर्ट्स भी बनाने लगी थी। मतलब कि मान लो ये जो है ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री है यहाँ पे, और उसने अपने जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे उन्हें भी कहा था कि वो आके फैक्ट्री के आसपास सेटल हो जाएं। सेटल हो जाएं मतलब अपने घर वगैरह बनाने लगे, ठीक है। तो मर्चेंट्स भी यहाँ के रहने लग गए। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या किया, इस पूरे फैक्ट्री के और सेटलमेंट के चारों तरफ जो है फोर्टिफिकेशन करने लग गए और यहाँ पे किले बनाने लग गए, फोर्ट्स बनाने लग गए, ठीक है। इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट, एक किला जो है वो उन्होंने इस सेटलमेंट के आसपास बनाना स्टार्ट किया। इसके 2 साल बाद मतलब कि 1968 में लगभग इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने दे ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने मुगल ऑफिशियल्स को एक तरीके से घूस दी, किस लिए, ताकि जो मुगल्स हैं वो ब्रिटिशर्स को और ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे जमींदारी राइट्स दे सकें 3 गांव के ऊपर। जमींदारी राइट्स मतलब कि वो जो गांव हैं अब उनके जो लैंड रिवेन्यू है इन 3ों गांव के अब वो जो कंपनी है वो ले सकती थी। तो इससे क्या होगा कि कंपनी को और ज्यादा जो है एक्स्ट्रा इनकम होने लगेगी, कि अब कंपनी जमींदारी राइट्स के चलते विलेजर्स से, वहां के जो पेजेंट्स हैं वहां के जो फार्मर्स हैं उनसे जमींदारी जो है वसूल करेगी, मतलब कि उनसे लैंड रेवेन्यू वसूल करेगी, उनके जमीन का जो कर है टैक्स है एक तरीके से वो वहां से लेगी और अपने लिए पैसा इकट्ठा कर लेगी। वन ऑफ दीज वॉज कालीकता विच लेटर ग्रू इन टू द सिटी ऑफ कैलकटा और कोलकाता एज इट इज नोन टूडे। और इन 3 विलेजेस में से एक जो जगह थी वो थी कालीकता। तो ये जो कालीकता है इसको बाद में जो ब्रिटिशर्स है वो कैलकटा के नाम से पुकारने लगे और हम इसे आज कोलकाता के नाम से जानते हैं। इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। तो जो कंपनी थी उसने, जो औरंगजेब था उसको भी एक तरीके से परसुएड किया, मनाया कि जो औरंगजेब है वो एक फरमान निकाले और उस फरमान में क्या लिखा हो कि वो कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का राइट दे दे। मतलब कि जब किसी एरिया में कोई ट्रेड करता है, कोई बिजनेस वगैरह चलाता है, तो उससे वहां का राजा जो है, यहाँ का किंग जो है एम्परर, वो एक टैक्स लेगा कि आप हमारे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो आप हमें टैक्स दो। तो कंपनी ने क्या किया, इस टैक्स को हटवा दिया कि
कि उन्होंने कहा कि जो औरंगजेब है वो एक फरमान निकाले, उसको एक तरीके से मनाया, परसुएड किया, बहलाया फुसलाया जो भी है, उन्होंने कहा कि जो औरंगजेब है वो एक फरमान निकाले और उस फरमान में क्या लिखा हो कि जो कंपनी है वो यहाँ पे बिना किसी टैक्स दिए ट्रेड कर सकती है, अपना खरीद बेच कर सकती है। तो फरमान क्या होता है, एक रॉयल एडिक्ट या फिर एक रॉयल ऑर्डर होता है, मतलब कि राजा द्वारा निकाला गया एक ऑर्डर होता है। और ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लगातार कोशिश करती रहती थी कि उसे किसी ना किसी तरीके से कंसेशंस मिल जाए, मतलब इस तरीके की छूट मिल जाए, जैसे कि औरंगजेब से फरमान निकलवा लिया कि ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, और पहले जो मुगल ऑफिशियल्स हैं उनसे जमींदारी के राइट्स ले लिए थे। तो इस तरीके से वो कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें ज्यादा से ज्यादा कंसेशंस जो हैं वो मिल जाएं और वो आसानी से अपना ट्रेड जो है यहाँ पे कर पाएं। अब औरंगजेब का जो फरमान निकला था उसके मुताबिक क्या होना था कि फैक्ट्री, मतलब कि ये जो कंपनी है, सिर्फ वही ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। मतलब अगर कंपनी के नाम से आप कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तब आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बट होता क्या था कि इस कंपनी में जो काम करने वाले ऑफिशियल्स रहते थे वो अपना साइड में भी कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे होते थे। वो कंपनी में भी तो काम कर रहे हैं बट उसके साथ साथ वो अपना कोई अलग से बिजनेस भी चला रहे हैं, अपने तरफ से भी कुछ काम कर रहे हैं। तो कंपनी जो ट्रेड करती थी उस पर कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, बट जो ऑफिशियल्स अपने लेवल पे कोई चीज का ट्रेड करते थे तो उन्हें इनका टैक्स जो है वो औरंगजेब को देना पड़ता था। क्योंकि औरंगजेब ने सिर्फ कंपनी को छूट दी थी, किसी पर्सनल ऑफिशियल को छूट नहीं दी थी टैक्स को ना पे करने के लिए। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी को राइट दिया था कि वो ड्यूटी फ्री, मतलब कि बिना टैक्स दिए ट्रेड कर सके। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड, कंपनी में काम करने वाले जो ऑफिशियल्स थे जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, अपने लेवल पे भी कुछ ना कुछ अलग से कुछ ट्रेड कर रहे थे, ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, मतलब उन ऑफिशियल्स को जो टैक्स है वो देना पड़ता था। दिस दे रिफ्यूज टू पे, तो ये ऑफिशियल्स क्या करते थे, उस टैक्स को देने के लिए मना कर देते थे, कहते कि नहीं हम नहीं देंगे, कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ द रेवेन्यू फॉर बंगाल। और इस वजह से क्या होता था, देखो एक तो जो कंपनी है वो जिस चीज पे ट्रेड कर रही थी उस चीज पे अब वो टैक्स नहीं दे रही है, तो जो मुगल एम्परर है, जो औरंगजेब है, उस चीज को नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्योंकि पहले ये जो टैक्स था वो क्या होता था, इनके खजाने में आता था, जो इनका ट्रेजरी रहती थी उसमें वो रेवेन्यू जो है वो आता था, कलेक्ट होता था। बट क्योंकि अब कंपनी को उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया तो वो पैसा जो है अब उन्हें नहीं मिलेगा, तो एक तरीके से जो मुगल हैं उन्हें लॉस झेलना पड़ा। तो एक तो कंपनी को की वजह से लॉस झेलना पड़ रहा है, दूसरा जो ऑफिशियल्स हैं वो भी ये कह दें कि हम टैक्स नहीं देंगे, तो बंगाल का जो रेवेन्यू है वो और ज्यादा घटता जा रहा था, बंगाल को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। सो हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। और इस वजह से ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो मुर्शिद कुली खान है, जो कि नवाब था बंगाल का, वो क्यों प्रोटेस्ट नहीं करता, क्योंकि जो ऑफिशियल्स हैं वो टैक्स देने से मना कर रहे हैं और इस वजह से बंगाल के रेवेन्यू में बहुत ज्यादा कमी आ रही है, इन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। तो जो मुर्शिद कुली खान है उसने प्रोटेस्ट, एक तरीके से विद्रोह जो है वो छेड़ दिया, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ ये आवाज उठाने लग गया कि ये जो चीज है वो सही नहीं है, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, कंपनी नहीं दे रही ठीक है, बट अगर तुम अपने पर्सनल लेवल पे कोई ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा।